हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एरे पे बेसिकली हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कहता क्या है वो सुनिए। हमें एक वन डायमेंशनल एरे गिवन है, उस एरे में निगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट हैं। हमको सारे पॉजिटिव एलिमेंट को, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में गिवन है, रैंडम, ठीक, उसको एक ऑर्डर देना है और वो ऑर्डर किस टाइप का है वो बता देते हैं। उस एरे को मैनिपुलेट करके ऐसा हमको बनाना है कि जितने पॉजिटिव एलिमेंट हैं उस एरे में वो स्टार्टिंग में आ जाएं और जितने नेगेटिव एलिमेंट हैं वो पॉजिटिव एलिमेंट के बाद वाले सब एरे में आ जाएं। तो इस चीज़ के लिए हम टेस्ट केस देख लेते हैं। एक वन डायमेंशनल एरे का ये सिंटैक्स है, ठीक। इसमें कुछ कुछ एलिमेंट है, जैसे 12 माइनस 90, 67 माइनस 54, 0, और फिर हमारा है 10, ठीक। और जो एलिमेंट जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में अरेंज हो जाने के बाद होना चाहिए। मतलब जैसे ये हमारा इनपुट है ना, तो आउटपुट इस ऑर्डर में आना चाहिए। जैसे 12 है, ठीक है, 12 के बाद 67 आना चाहिए, 67 के बाद 0 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, ठीक। उसके बाद आना चाहिए माइनस 90, फिर आना चाहिए माइनस 54, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से हम कट करते हैं, यहाँ पे इसको हम कमेंट कर लेते हैं कि आउटपुट हमारा ये आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसका क्या नाम दे देते हैं, रीअरेंज। इस फंक्शन का नाम रीअरेंज है, ठीक है, रीअरेंज, अरेंज एलिमेंट ऑफ आवर एरे, ठीक है। एरे का बेस एड्रेस पास किए, कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंट एरे नाम का फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, 6 एलिमेंट हैं। आइए अब इसको डिफाइन करते हैं, दोनों फंक्शन जो कॉल किए उसको डिफाइन करते हैं। तो दोनों फंक्शन का रिटर्न टाइप void ही है, तो पहले प्रिंट एरे फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन, ठीक। तो प्रिंट एरे फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है हमें एक एरे मिल, यह फंक्शन क्या कर रहा है, एरे को बारी बारी से सारे एलिमेंट को प्रिंट कर ले रहा है। तो उसके लिए हम एड्रेस पास किए एरे का, जो कि बेस एड्रेस है, कितने एलिमेंट हैं वो पास किए। अब हम इसके बॉडी में लूप चलाते हैं, एक फॉर इंट आई एस आई इन 0, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एरे ऑफ आई। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन एरे के सारे एलिमेंट को बारी बारी से प्रिंट कर लेगा। हम टेस्ट भी कर सकते हैं अभी इस फंक्शन को कमेंट करके, जितने एलिमेंट है एरे के वो सिंपली प्रिंट हो गए, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन, रीअरेंज एलिमेंट। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये एरे। जो भी हम फंक्शन कॉल किए, क्या क्या ले रहा है, कि एरे ले रहा है हमारा, कितने एलिमेंट है वो एन नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर लिए। अब इस फंक्शन का हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन के लिए हेडर फाइल होता है, हैज़ इंक्लूड stdlib.h, ठीक है, मैलॉक के लॉग जिसमें हम यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमको ये नहीं पता कि हमको मेमोरी, जब भी हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो हमको साइज बताना होता है, कितने साइज का हमको मेमोरी एलोकेशन कराना है। तो ये पता करने के लिए हमको कोई भी हम एरे जो क्रिएट करेंगे उसमें या तो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं हम, इंट नेगेटिव, इसका इनिशियल वैल्यू 0 है, पॉजिटिव, इसका भी इनिशियल वैल्यू 0 है। अब हम एक लूप को रन करते हैं, इंट आई एस आई इन 0, आई शुड बी लेस देन
एन आई प्लस प्लस, इसमें अब कंडीशन लगाते, दो ही कंडीशन, अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर है जीरो के तो उस केस में ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है अगर जीरो के तो उस केस में पॉजिटिव में इंक्रीमेंट कर दो, एल्स क्या कर दो नेगेटिव में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये लूप चलने के बाद हमको ये पता हो गया कि एक्चुअल काउंट कितना है, मतलब कितने इस लूप में नेगेटिव है और कितने पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेशन, इंट स्टार ए, इंट स्टार ये टाइप कास्टिंग हो गया, मैलॉक फंक्शन जो रिटर्न करता है, मैलॉक में क्या हमको चाहिए, जितने पॉजिटिव एलिमेंट है उस उतने साइज का एरे हमको, साइज ऑफ ऑपरेटर साइज ऑफ इंट इंट स्टार बी इंट स्टार मैलॉक नेगेटिव इंटू साइज ऑफ इंट, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जितने पॉजिटिव एलिमेंट है और जितने नेगेटिव एलिमेंट है दोनों जो हम मेमोरी एलोकेट किए उस एरे में स्टोर कर देते हैं। तो कैसे होगा, उसके लिए क्या सिंटेक्स लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल हम बनाते हैं, ठीक है, एक होगा के उसका इनिशियल वैल्यू है माइनस वन, एक होगा जे इसका भी इनिशियल वैल्यू है माइनस वन। अब हम लूप चलाते हैं फिर से, इंट आई असाइन जीरो, आई शुड बी लेस देन एन, आई में इंक्रीमेंट कर दो, आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और इस फॉर लूप के अंदर हम अब एक कंडीशन लेते हैं, अगर एरे ऑफ आई छोटा है किससे, जीरो के, मतलब नेगेटिव है, तो उस केस में क्या करना है हमको, के में इंक्रीमेंट करना है क्योंकि हमको पॉजिटिव वाला एरे कौन सा है, ए ऑफ के में क्या आ जाए, एरे ऑफ आई, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो विच मीन्स एल्स में आए, एल्स का कोड क्या होगा, एल्स में हम इंक्रीमेंट करेंगे जे को, जे में इंक्रीमेंट करने के बाद हम पॉजिटिव में क्यों साइन कर रहे हैं, अगर एरे ऑफ आई छोटा है जीरो से मतलब नेगेटिव है तो बी ऑफ के में जाना चाहिए, क्योंकि बी जो एरो है एरे है नेगेटिव को कंटेन कर रहा है, मतलब नेगेटिव एरे का बेस एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, उसी के एड्रेस के थ्रू, मतलब उसी बेस एड्रेस के थ्रू हम सारे नेगेटिव एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद जे प्लस प्लस हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ए ऑफ जे में क्या साइन कर दो, एरे ऑफ आई, ठीक। तो इतने दूर में आ जाने के बाद क्या हुआ, हमारा एरे क्रिएट हो गया, एरे में क्या कर दिया हम, नेगेटिव एलिमेंट और पॉजिटिव एलिमेंट, एक एरे क्या स्टोर करके रखेगा जितने नेगेटिव एलिमेंट है, एक एरे स्टोर करके रखेगा जितना पॉजिटिव एलिमेंट है। तो इतना काम अभी तक हो गया। अब हमको बेसिकली सारे एरे के एलिमेंट को जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव आएगा, तो जितने पॉजिटिव एलिमेंट है उसको हम अपने फाइनल एरे, जो हमारा पहले से इनिशियल एरे गिवन था जो कि मेन फंक्शन में बना हुआ है, उसमें हम सिंपली असाइन कर देंगे, जिसको कि कहते हैं कॉपी ऑपरेशन करना। तो उसके लिए अब हम क्या लॉजिक लिखेंगे वो देखते हैं, फॉर इंट आई असाइन जीरो, आई शुड बी लेस देन क्या, पॉजिटिव पहले स्टोर कर रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव का काउंट है उतना तक हम लूप चलाएंगे, और इस फॉर लूप में हम क्या कर देंगे, एरे जो हमारा एरे था उसके पहले इंडेक्स पे क्या ला दो, पॉजिटिव वाला कौन सा था, ए, ए ऑफ आई। ये लूप चलने के बाद हमारे इनिशियल एरे में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट स्टोर हो गए, अब हमको नेगेटिव एलिमेंट को करना है स्टोर, तो वो राइट सब एरे में जाएगा, तो उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका इनिशियल वैल्यू माइनस वन होगा। फिर से लूप चलाते हैं, फॉर आई अब कब तक चलना चाहिए, एन तक चलना चाहिए, आई प्लस प्लस, जब भी ये लूप चले तो उस केस में एम में इंक्रीमेंट कर दो, उसके बाद एरे नहीं एरे हाँ एरे ऑफ आई में क्या आ जाए,
अब निगेटिव एलिमेंट को लाना है, तो निगेटिव किस में है, बी में, बी ऑफ एम, क्योंकि एरे का बेस एड्रेस स्टार्ट होता है, ए बेस एड्रेस बोलते हैं, एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से, तो एम पर जितनी बार इंक्रीमेंट होगा एम का वैल्यू 0 1 2 से वर्क करेगा। आइए इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा, क्या एरर है, आई अनडिक्लेयर्ड। अच्छा स्कोप का प्रॉब्लम है, तो ये हमको बनाना पड़ेगा इंट आई, इंट आई जो की है ना, इसका स्कोप क्या हो गया, इस पूरे फंक्शनैलिटी तक, मतलब इसके नीचे हम आई को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब हम रन करके आउटपुट हमारा देखते हैं, तो वो जितने पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, ऑर्डर चेंज हुआ क्या, हमारा एरे का जो हम स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट किए थे आउटपुट ये है, और फाइनली आउटपुट हमारा वही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट सही है। कुछ और रैंडम टेस्ट केस लिख ले लेते हैं, अगर मान लीजिए क्या, कुछ और सा टेस्ट केस क्या ले लें, सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट ही लेते हैं, 45 67 80, तो उस केस में क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं, 6 माइनस 2। ठीक है, इसमें भी 6 माइनस 2, तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जो एरे है वही एरे हमारा फाइनली आ गया, तो आउटपुट हमारा सही है, सिर्फ एक ही निगेटिव रहता था, तो जो एरे है उसी एरर में। ओके, क्या एरर आ गया, तो जिस ऑर्डर में आउटपुट था उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में इनपुट था उसी ऑर्डर में हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, अब एक और टेस्ट केस पे चेक करते हैं, -90 के बाद है -900, फिर है -123, फिर 90, फिर 56, देन वी हैव 23, देन वी हैव 0, देन वी हैव अगेन -1000, मीन्स 10,000। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है, मतलब 6 प्लस 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जितने पॉजिटिव एलिमेंट है ना, मतलब 90 56 23 0, उसके बाद -90 आएगा, तो 90 56 23 0, फिर -90, -900, फिर -123, फिर -10,000, तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है। तो कितने से छोटा सा, कितना इजी कोड था ये हमारा, जिसमें कि हम अपने एलिमेंट को रीअरेंज कर लिए, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पहले आ जाए, उसका नेगेटिव लास्ट में आ जाए, तो इस ऑर्डर में हम देखें, अगर इसी चीज़ को रिकर्सन से करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता था। ठीक है, यही होता कि मान लीजिए अगर इतने बड़े कोड में अगर हमको क्या पता ट्रेस करने में प्रॉब्लम अगर किसी और को आता है, अगर हमको हमारा कोड को रिव्यू करता है, उस केस में हम क्या करते, हर जो पीस ऑफ छोटे छोटे पीस ऑफ टास्क है ना, जैसे जैसे ये कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, इस चीज़ के लिए एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये मेमोरी एलोकेशन के लिए भी एक फंक्शन हम क्रिएट कर सकते थे। ठीक, ये कॉपी ऑपरेशन या फिर फाइंड करने के लिए कितने काउंट है, तो हर एक बेसिक यहाँ पे हम क्या किए हैं, हर एक ऑपरेशन इसी फंक्शन के अंदर हम डिफाइन कर दिए हैं। ठीक, अब वो हम पे है कि हम एक ही फंक्शन में करें या फिर फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट कॉल करें और हर ऑपरेशन उसमें टेक प्लेस करें। ठीक है, तो ये बेसिकली कोडर पे डिपेंडेंट है कि कोडर किस वे में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या फिर फ्लो को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि अगर हमको एक एरे गिवन है और उसमें कुछ भी रेंडम ऑर्डर एलिमेंट रेंडम ऑर्डर में स्टोर्ड है, तो अगर उसको हमको एक रीअरेंज करना है, मतलब पॉजिटिव पहले आ जाए नेगेटिव लास्ट में आ जाए, तो उस केस में हम ये कोड लिखेंगे और हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को समझने, सारा जो भी मैं बोला हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सिंटैक्स है मेमोरी एलोकेशन का, बेसिकली सी में हम कोड किए हैं अगर, तो ये जो हम मेमोरी एलोकेशन किए हैं इसको हीप में मेमोरी मिलेगा। ठीक, और ये फंक्शन जो है ना, ये जो फंक्शन कॉल किए हैं इसको स्टैक में मेमोरी मिलेगा।
यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल यूज किए हैं ना, ये लोकल है। ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल क्रिएट किए हैं इंट, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम इस वीडियो में देखें कि कैसे अगर हम कोई कोई एरे का एलिमेंट गिवन है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर हमको उसको एक ऑर्डर ऑर्डरिंग करना है, बेसिकली रीअरेंज कर देना है, तो उस केस में हम ये कोड लिखेंगे और हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इसका कोड समझ में आएगा कि मैंने कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में कोड लिखा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।